हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, डीडी फ्री डिश से एक और चैनल हो गया है रिमूव। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। तो MPG 2 सेटअप बॉक्स से एक चैनल और हटा दिया गया है। तो वो कौन सा चैनल है और क्यों हटाया गया है, किस लिए प्रसार भारती ने ऐसा फैसला लिया है और कौन सा आप लोगों का फेवरेट है या नहीं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि डीडी फ्री डिश के MPG 2 सेटअप बॉक्स से एक चैनल जो है पहले ही हटा दिया गया था, जिस चैनल का नाम था PR TV। तो इस चैनल के लिए जो है खाली स्लॉट था, तो इसके लिए ई ऑप्शन भी करी गई थी, लेकिन कोई भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए ये स्लॉट जो है अब भी खाली है। तो एक और चैनल जो है हटा दिया गया है और उस चैनल का नाम है Popular TV। तो ये भी कोई चैनल खास नहीं था, इसीलिए इस चैनल को भी हटा दिया गया है। तो डीडी फ्री डिश के MPG 2 सेटअप बॉक्स में दो चैनल जो हैं खाली हो गया है स्लॉट। तो देखते हैं प्रसार भारती कब इसकी अगली ई ऑप्शन रखता है, कब अनाउंसमेंट करता है ये दो स्लॉट जो हैं डीडी फ्री डिश पर खाली हो चुके हैं, और कब ई ऑप्शन होगी, कब ये स्लॉट जो हैं भरे जाएंगे। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मैंने आप लोगों को बता दी। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ लेकर, अगली अपडेट लेकर। और हाँ, आप लोग हमारे सेकेंड चैनल नेहा ब्लॉगर को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।